भी सोच रहा था एक दिन मेरे से मियां खलीफा का नाम पूछ लिया, मैं तो आदमी सोच रहा था ये तो औरत है, क्या रिश्ता कहलाता है कंगना का इनसे, देश पूछना चाहता है। नेता बिक गए, अभिनेता बिक गए, बिक गए क्रिकेट के भगवान, नेता बिक गए, अभिनेता बिक गए क्रिकेट के भगवान। एक ही शख्स देश में बचा है जो नहीं बिक सकता, उसका नाम है भारत का किसान। नया जो बजट आया, आप कैसे देखते हैं उसको, नया बजट को? बाबा जी का ठुल्लू। देखिए, जब से ये सरकार आई 2014 में, उससे पहले आपने टुकड़े टुकड़े गैंग का कोई नाम सुना था? ये आगे एक नया शब्द ले आया इन्होंने, एक पूरा वो घड़ा प्रोपगंडा, क्योंकि आरएसएस का प्रोपगंडा है ये। आरएसएस ने एक प्रोपगंडा पूरे देश में घड़ दिया कि जो भी तुम्हें तुम्हारा विरोध करे उसे देशद्रोही कह दो, वो चुप बैठ जाएगा। इन्होंने स्टूडेंटों को देशद्रोही कहा, वे चुप हो गए। इन्होंने मुस्लिमों को देशद्रोही कहा, वे चुप हो गए। अब के इनके बाप आ गए किसान, तब इन्हें कुछ ही कह लो, हमारे पर फर्क पड़ता ही ना, और इनके हलक में हाथ दे देगा किसान। नहीं, ये तो गलत है। किसानों का जो सम्मान, जो समर्थन करेगा उनका दिल से स्वागत है। और जो ये कह रहे हैं आंतरिक मामला है, आंतरिक मामला जब नहीं था, जब अमेरिका में हमारे देश के प्रधानमंत्री जाके कह रहे थे अब की बार ट्रंप सरकार, वो उनका अमेरिका का आंतरिक मामला नहीं था। या जब नहीं था, जब प्रधानमंत्री जी विदेशों में जाते थे और वहाँ मोदी 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 होती थी, तब नहीं था। तब तो बहुत अच्छा लगता था उन्हीं का ट्वीट, आज उनका ट्वीट आ गया किसानों के संबंध में तो बहुत बुरा लगने लगा। मुझे ऐसा लग रहा विदेशों से ट्वीट नहीं, सैनिटाइज हो गया है और भारत के कीड़े जो थे वे बिल बिल आ गए। कंगना कह रही है तो किसान क्यों बोल रहे हो, आतंकवादी है ये। कंगना कह रही है किसान नहीं है, आतंकवादी है ये। कंगना का, कंगना देश की गृह मंत्री है क्या, प्रधानमंत्री है? है? मोदी से क्या रिश्ता है इसका, देश पूछना चाहता है। आप बता दो। नहीं, मुझे नहीं पता, मैं तो पूछना चाहता हूँ, देश पूछना चाहता है कि कंगना को, मैं गृह मंत्री से भी पूछना चाहता हूँ आपके साथ क्या रिश्ता है, कि उसका एक जरा सा छज्जा टूटा और उसको जो है वाई प्लस या जेड प्लस श्रेणी की सुरक्षा दे दी, क्या रिश्ता कहलाता है कंगना का इनसे, देश पूछना चाहता है। मियां खलीफा का ट्वीट आता है तो कपिल मिश्रा जो भाजपा के नेता हैं वो कहते हैं मंडियों का आंदोलन अब ये डैश डैश करके, जो जैसा होता है उसको दूसरा वैसा ही दिखाई देता है, हैं? भड़वों को क्या कहा जाएगा, हैं? भाई ये मैं भी सोच रहा था एक दिन मेरे से मियां खलीफा का नाम पूछ लिया, मैं तो आदमी सोच रहा था ये तो औरत है, तो औरत लिख ली, सच्चाई है ये औरत की, मुझे नहीं पता था। पहले दिन पूछा, मैंने सोचा आदमी है मियां खलीफा को, कल किसी बच्चे ने बताया ये तो लेडीज है। क्या बताया फिर? बस उससे आगे क्या पूछना, लेडीज है। कैसा लगा आपको जान के, कैसा लगा कि वो? नहीं भाई, मैं ये सोच रहा था नाम जो है, नाम की वजह से। देखिए, वो उनका अपना पैसा है, किसी के पैसे पे मुझे क्या लेना, कोई यहाँ नाचे चाहे वहाँ नाचे, वो उनका अपना पैसा। पर हाँ, पर हिंदुस्तान का जो यो है ना, क्या बोलते हैं, फिल्म इंडस्ट्री, ये तो इतनी गंदी हो गई है, कहोगे तो तुम्हारे बेडरूम में भी नाच जाएंगी, पैसे होने चाहिए। हैं? नहीं, मैं फिल्में नहीं देखता। जब से ये मल्टीप्लेक्स बने हैं, एक पिक्चर देखने गया था बस, कौन सी थी ये ध्यान नहीं, वो उसकी गाना वो आई थी, वो दंगल, दंगल दंगल देखने गया, वो भी तेरे जैसे भाई ने टिकट दे दिया था पास, तब गया था। पैसे ना खर्च करता हूँ, इन कुत्तों के पीछे पैसे खर्च करूँगा। वो तो अब कुत्ता बन गया, कुत्तों की पिक्चर देख रहा हूँ मैं, पहले कह रहा हूँ क्या हैंडपम्प उखाड़ देता है पाकिस्तान का, अब कहाँ चला गया हैंडपम्प? अब पाकिस्तान का मुद्दा नहीं है, भारत का ही है। भारत का क्या हो गया, सांसद बनेगा भारत का, रोटी खाएगा भारत की, हाँ। और गुण गाएगा पाकिस्तान के, बहुत अच्छी बात है भाई। वो तो राष्ट्रभक्ति दिल से गाते हैं, देश को राष्ट्रभक्ति से गाते हैं, चाहे अजय देवगन हो या अशोक कुमार हो या कंगना रनौत हो, आज सारे देशभक्ति सिखा, मैं खुद भी तो देशभक्ति सिंह के, शाम को शाम होते ही सारे देशभक्ति सीख जा। देशभक्ति कैसी है बताऊं, नेता बिक गए,
अभिनेता बिक गए क्रिकेट के भगवान, नेता बिक गए, अभिनेता बिक गए क्रिकेट के भगवान। एक ही शख्स देश में बचा है जो नहीं बिक सकता, उसका नाम है भारत का किसान। किसान एकता, किसान एकता, किसान एकता, जिंदाबाद। जिस तरीके से कहा गया था कि शाहीन बाग में 200-200 और 500 रुपए लेकर बैठे हैं, वही बात अब यहां पर किसानों के लिए हो रही है कि 500 रुपए में आए। उसको जवाब दिया गया था, जिस दादी अम्मा का फोटो डाल के इस बाजारू औरत ने लिखा था, उस दादी अम्मा ने जवाब दिया था खुद आके कि 700 रुपये रोज दूंगी, एक दिन मेरे घर आके काम कर दे खेत में। तो जवाब देने के लिए हमारी शेरनियाँ सब तैयार हैं, हमारी माताएं तैयार हैं, हमारी बहनें तैयार हैं, हमारी बेटियां तैयार हैं, और जिनकी शादी हो रही हैं उनकी बहुएं तैयार हैं। आओ ना। अच्छा, नया जो बजट आया आप कैसे देखते हैं उसको, नया बजट को? बाबा जी का ठुल्लू। मैं बता देता हूँ वो ऐसा है कि योजना 5 साल की, योजना 1 साल की, पैसा 5 साल का दिखा रहे हैं। ये बता रहे हैं कि वो मैंने एक देखा था कि एक वो होता ना गांव में मंदारी आता है, मंदारी उसके पिटारे में हर चीज होती है, कुछ भी मांग लो वही दे देगा, और जब खेल खत्म पैसा तो सारी चीज खत्म। तो वही मोदी जी झांसा दे रहे हैं कि बता रहे हैं बजट में इतना दिया, मान लीजिए सड़क के लिए 1 लाख करोड़ दिया, लेकिन फिर बता रहे उसमें जरा सा लिख रखा बारीक सा कि ये पैसा 5 साल में खर्च होगा। अरे बजट 1 साल का बनता, अगले साल दूसरा बनेगा। अगर 1 साल के लिए ही था तो 20,000 करोड़ रखते, नहीं तुम्हें दिखाने के लिए बजट इतना बड़ा कर दिया है, धन इतना दे दिया है। जैसे ये कंपनी वाले लिखते हैं ना, सारी चीज के लिख के और नीचे लिख देते हैं कंडीशन अप्लाई, ऐसे लिख रखा। लेकिन बाबा रामदेव तो बोल रहे हैं बजट बहुत अच्छा है, देश हित के लिए है, ये वोट के लिए नहीं है बोल रहे हैं। भाई उद्योगपति है वो, लाला रामदेव है, तो वो तो उसे तो अच्छा लगेगा ही, क्योंकि बजट ही उद्योगपतियों के लिए, किसानों के लिए कहाँ है, हैं? अब लाला रामदेव कहाँ पड़ गया? मैंने तो एक उसकी वीडियो बहुत दिन बाद पड़ी, ढूंढ कर निकाली कल, जिसमें रजत शर्मा के दौरे बैठा था, उसी के उसमें वो अदालत जो लगा हुआ है उसमें, और बड़ा हंस हंस के कह रहा था 35 रुपये लीटर चाहिए था वोट किसे दोगे? तो ऐसे कर कर के, और फिर आ रहा सरकार को उसके लिए बजट चाहिए तो इसलिए है सरकार को, तो चमचागिरी बहुत होती है। मैं तो उससे पूछना भी जाता हूँ, माल स्वदेशी भेज रहा है, बेच रहा है या विदेशी बेच रहा? तो एक पत्रकार ने कहा स्वदेशी बेच रहा, तो मैं कहा रामदेव जी से पूछना, जब रामलीला ग्राउंड से भागे थे तो सिलवार स्वदेशी थी या विदेशी, पूछो। अब कहाँ है, किस स्वदेशी या विदेशी पेटीकोट में बैठे हैं? और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ, क्या कंगना रनावत के पास गए हैं? क्या मियाँ खलीफा के दौरे जाना है? पूछो अब इससे, क्यों? क्योंकि ऐसे नालायकों की बेइज्जती ऐसे ही करनी पड़ेगी, जो हमें आतंकवादी कहेगा, जो हमें खालिस्तानी कहेगा, जो हमें टुकड़े टुकड़े गैंग कहेगा, हम भी उनको उसी की भाषा में जवाब देंगे, तब इनको पता चलेगा। बाबा ऐसे ठुल्लू है, बाबा जी का बाबा नहीं है, योग गुरु नहीं है, रोग गुरु है, देश का रोग है, सारे देश को लूट के खा गया। देखिए जब से ये सरकार आई 2014 में, उससे पहले आपने टुकड़े टुकड़े गैंग का कोई नाम सुना था? ये आगे एक नया शब्द ले आया इन्होंने, एक पूरा वो घड़ा प्रोपगंडा, क्योंकि आरएसएस का प्रोपगंडा है ये, आरएसएस ने एक प्रोपगंडा पूरे देश में घड़ दिया कि जो भी तुम्हें तुम्हारा विरोध करे उसे देशद्रोही कह दो, वो चुप बैठ जाएगा। इन्होंने स्टूडेंटों को देशद्रोही कहा, वे चुप हो गए। इन्होंने मुस्लिमों को देशद्रोही कहा, वे चुप हो गए। अब के इनके बाप आ गए किसान, तब इन्हें कुछ ही कह लो, हमारे पर फर्क पड़ता ही ना, और इनके हलक में हाथ दे देगा किसान। तो इन पे भी काफी लगा दी देगी, कोई बात ना। अरे यार ऐसी 365 धाराएं लगे हम पे, जब आंदोलन करोगे तो मुकदमे भी होंगे, जेल भी जाओगे, और जो डर गया समझो मर गया। किसान कभी नहीं डरता, भेजो ना ये तीनों काले कानून वापस, लो MSP पे गारंटी का कानून बनाओ, स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करो, और आजीवन कारावास मुझे करो।
कोई फर्क पड़ता ही नहीं। सर बनाएगी कैसे, 11 बार की वार्ता हो गई, अब तक तो सरकार की तरफ से कोई ऐसा इशारा आया नहीं कि वो बिल वापसी लेगी, और आप तो बिल वापसी वापसी नहीं, आपको तो एमएसपी कानून भी चाहिए, दोनों काम इकट्ठा कैसे करेगी, या तो बिल वापसी करवा लो या एमएसपी कानून बनवा लो। क्यों लगता नहीं है? हमने भी तो एक ही मांगा था, एक के साथ एक गुजरात ने फ्री कैसे भेज दिया हमारे दौरान। तो ऐसे ही हम मांग रहे गुजरातियों से, चुनाव लड़के जीत के आए ना है, चुनाव लड़के जीत के आए ना, और तो हम भी तो आंदोलन करके ही कराएंगे इनसे। अच्छी बात है, पर लगता तो नहीं ना भी। और तुम्हें लगता है किसान मान जाएगा? हम तो आपको चाहते कल हो जाए। नहीं, मैं तुम्हें लगता है किसान मान जाएगा? तो ये जो इतने यहाँ पे किले तैयार कर दिए, सब कुछ कर दिया, बॉर्डर बना दिया, तू इस बार यूज वो लगवा दे, वो फोर्स मैं क्यों लगवा, रफेल और खड़ा करवा दे, हम डर रहे हैं। आप डरते नहीं तो उस दिन 28 तारीख को कहाँ भाग गए थे सबके, किसी का पेट में दर्द, सर में दर्द, काम तक गए थे, अकेले छोड़ गए तो क्या हो गया, नेताजी को अकेले तो क्या हो गया, शेर अकेला वो बहुत था, शेर का शिकार कुत्ते कर सके क्या, कर सके, शेर थान आया, कौन भाग गया, कौन भाग गया, सारे बहुत कम लोग थे उस दिन। अरे तो क्या हो गया, घर चले गए, कौन सी आपत आ गई, जाते रहेंगे। अरे तुमने आंदोलन देखे ही नहीं, तुमने पहला आंदोलन देखा, हमारी उम्र आंदोलनों में ऐसी चीज चलती रहती है, इससे मत घबराओ। अच्छा काम भी